कमेंट करेंगे। हमारे सांसद के महिला समिति द्वारा मैं मानी जी का स्वागत करूंगा। हमारे साथ परिवार के सभी सदस्यगण, यूं तो अभी तक जितने रिटायरमेंट हुए हैं, सबसे पहले मैंने रिटायरमेंट अपने सर्विस में देखा था हमारे शाखा प्रबंधक मिस्टर आर के सिंह का, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी का रिटायरमेंट हुआ, फिर हमारे बाबूलाल जी का रिटायरमेंट हुआ, और पहली बार ऐसा हो रहा है किसी विकास अधिकारी का रिटायरमेंट हुआ। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, और ये क्षण हमारे लिए, हम सबके लिए कभी ना कभी आना ही है, और इस क्षण को महसूस करना ही अपने आप में एक अजीब सी अनुभूति देता है। राव जी का हमने 31 जुलाई को शाखा में एक समारोह करके उनको विदाई दी थी, आज हमने अभिनंदन के लिए वहाँ पर उनको आमंत्रित किया है, पर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आज रिटायर हो रहे हैं, और ये फीलिंग आज भी उनके चेहरे पर दिख नहीं रही है। यानी 4 दिन वो ऑफिस आए नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो, तो मेरा ये मानना है कि बीमा में फील्ड वाला व्यक्ति, तो मेरे को नहीं लगता कि कभी रिटायर हो भी सकता है। हमेशा उसकी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी चालू रहती है, और मैं तो चाहूंगा कि राव जी किसी ना किसी रूप में एलआईसी से संबंधित फिर से रहे। हम सब की ओर से उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और जो एलआईसी परिवार को, आपको, मेरे को सबसे लगता है कि आज जो सबसे जरूरत है हमारे अभिकर्ताओं को, हमारे जूनियर स्टाफ को, तो अपना इतने साल का तजुर्बा है जरूर बांटते रहेंगे, क्योंकि इनका 32 वर्षों का सफर एक एसेट है, और निश्चित रूप से बहुत से क्षण, बहुत से उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं, और इन उतार चढ़ाव को उन्होंने कैसे फेस किया है, हमेशा मुस्कुरा के कैसे वो आगे बढ़ते रहे, ये हमको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो मैं फील्ड स्टाफ की ओर से, जो लोग यहाँ उपस्थित रहे उन्हें, उनकी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।
और चित्रांकन से अनुरोध करूंगा। आदरणीय शाखा प्रबंध ठीक है जी, भावे जी, आवाज मेरे अजीज मित्र भाई ए आई बी राव और भाभी जी और मेरे तमाम यहाँ उपस्थित मेरे विकास अधिकारी अभिकर्ता बंधु और मेरे समस्त स्टाफ, संयोग कहा जाए कि भाई राव जी से इनसे पहले इनके दोनों भाइयों से भी मेरा बहुत मधुर संबंध था। इनके बड़े भाई भी विकास अधिकारी थे, इनके मंझले भाई भी विकास अधिकारी थे, इनके दोनों भाई से मैंने इनसे पूर्व ही उनसे मेरा बहुत अच्छा परिचय था और बहुत अच्छे संबंध। इनके भाई भी मेरे घर आना जाना करते थे और राव भाई के बारे में कहना तो मैंने बहुत कम ही बात है, इनकी सदा मृदुभाषी और कभी भी किनसे इनका कड़क भाषा में तो कभी आज तक बात नहीं हुई, सदा मिलते थे हंसमुख बात करते थे। अब इनका हमारा एक और तकिया कलाम था कि ये मेरे को क्यों बुढ़ाओ बोलते थे और मैं इनको क्यों मुच्छू बोलता था। ये हमारी दोनों भाई की मित्रता है, इनकी हमारे दोनों की पर्सनल संबंध है और राव भाई सदा दिन जब तक ऑफिस में भाई 32 साल तक के कार्यकाल दिए हैं, 32 साल तक मैं उनके साथ में था और जब तक थे नैरा ब्रांच में थे मैं भी नैरा ब्रांच में ही हूँ और आने वाला भविष्य समय में जैसे हमारे मिश्रा भाई बताए कि ये कड़ी जो है 2 साल बाद मेरे साथ भी जुड़ने वाली है। तो मैं राव भाई की उनके परिवार की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार सुखमय रहे, हंसमुख रहे, बढ़िया रहे। मैं यही शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या है मिजाज जरूर शायर है लेकिन क्षण जो है वो शायराना नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब अधिक बोलते वो बिछड़ता एक तो यहाँ जिंदगी ठहरती नहीं, बहुत सारा जो मनोविकार पैदा होता है कि यहाँ जिंदगी ठहरती नहीं। जब 31 तारीख को मैंने इस चीज को महसूस किया राव साहब का जब हम विदाई समारोह कर रहे थे रिटायर हुआ उस दिन शक्ति गया था, बोले शक्ति को वैसे ही कहा कहीं से ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि रिटायर हो, तो ये जज्बा होना चाहिए कि हमारी सवारी की हो गई और हम यहाँ ठहर गए। तो ठहरना नहीं, सुदर्शन ठाकुर का एक शेर है कि किसी रंजीश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किसी रंजीश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूँ। ये जज्बा जो है वो राव साहब ने प्रकट किया। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चक्रवर्ती जी से अनुरोध करना चाहूंगा। आज के विशिष्ट और प्रमुख हम सभी से विदा ले रहे हैं, हमारे बीच के विकास अधिकारी श्री ए आई बी राव साहब, राव भाभी और मंचस्थ सिन्हा जी एवं सिन्हा भाभी, उपस्थित सभी हमारे विकास अधिकारी साथियों, कार्यालय अधिकारियों, सभी कर्मचारी साथियों एवं कर्मकर्ता बंधु और परिवारजन, निश्चित रूप से जैसा अभी पूर्व में हमारे साथियों ने बताया कि राव साहब का जो स्वभाव है, वास्तव में मैं उनसे कई चीज़ें सीखा और उनसे मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ ये सीखी, जब जब हमारी पहले के शाखा प्रबंधक या अभी हमारे सीनियर सर हैं उनके साथ जब जब हमारी कोई भी मीटिंग होती थी और उस मीटिंग में जनरली शाखा प्रबंधक महोदय बड़ा बड़ा लक्ष्य भी देते हैं, तो सभी विकास अधिकारी को जब लक्ष्य मिलता है तो हम लोग कई बार डिस्कशन करते हैं सर ये मेरे से नहीं होगा या मैं इससे कम कर पाऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ राव साहब सीखा वो बिल्कुल हमेशा बोलते थे निश्चिंत हिसाब हो जाएगा, आप जो बोलो हो जाएगा,
तब तक होगा आप जब तक फोटो हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव हम उसको हंसी मजाक में कई बार लिए, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी सीरियस बात है कि अगर आप किसी भी बात को पॉजिटिव आप लेंगे तो उसका असर भी बहुत अच्छा हमने देखा है। दूसरा, उनके नाम में ही जैसा AIP राव लिखा हुआ है, वह जब यहाँ पर भर्ती होके आया तब से मैं उनके नाम का जो अर्थ है AIP का एडिशनल इंसेंटिव ग्रुप में समझा। उनसे प्रेरित होकर इंसेंटिव की तरफ मेरा ध्यान गया। निश्चित रूप से प्रभाव तो हम लोग सामने में देख रहे हैं, और राव साहब शक्ति में थे उस समय काफ़ी ज़्यादा मुलाकात भी होती रहती थी, काफ़ी किसी भी मुलाकात होती रहती थी। बिलासपुर शिफ्ट होने के कारण थोड़ा सा वहाँ से परिवार से थोड़ा मुलाकात कम हुई। शायद अब मेरे यहाँ परिवार के लोग मुझे ऐसा लगता है 10-15 साल बाद मिल रहे होंगे। तो सर के लिए मैं ऊपर वाले से यही कामना करूँगा कि आज जैसा उनका नेचर है, आज जैसा उनका स्वभाव है, वो हमेशा बना रहे और हमारे ऊपर भी, लैला सागर के ऊपर भी आशीर्वाद बना रहे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है ये कि आज एक विकास अधिकारी रिटायर होते हुए भी अपने आप को ये महसूस नहीं कर पा रहे कि मैं रिटायर हूँ, ये कितनी बड़ी बात है। और ये आप ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी उनकी प्लानिंग है, नहीं तो अपने आप में एक व्यक्ति टूटा सा महसूस करता है या ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँगा। लेकिन 31 तारीख को मैं देखा कि जब हम लोगों की एक मीटिंग चल रही थी उसमें वो एक रिवाइंडिंग चेयर में एकदम घूमते हुए मौज से बात करते हुए इंजॉय से हंस मुस्कुराते रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और जैसा कि अब मैं थोड़ा सा वहाँ पर एक चीज़ महसूस किया, जब कोई रिटायर होता है तो इसका मतलब थोड़ा सा एज ज़्यादा हो जाती है, मतलब बाल आज थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद होना चाहिए। यहाँ से भी कहीं से भी मेरे को नहीं लगा कि राव साहब रिटायर हो रहे, मतलब बहुत ही अपने आप को मेंटेन करके रखे हैं, ऊपर वाला इसी तरीके से रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल उसको अगर समेट लिया जाए तो एक शब्द आता है बिंदास, और वो बिंदास ही जो है वो राव साहब में देखने को मिलती है। चैनल लाइन मेरे को और हां बेटा बता देता हूं, कार्यक्रम चलाते बुला रहे इनका, सब बढ़िया है, बढ़िया एकदम मस्त है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हवा हवा बात करा था, थोड़ा टाइम में बात करा था। दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। इस से जो अपना जीवन यापन करते हैं उनको राव साहब कहते हैं। मैं अभिकर्ता बंधुओं की ओर से ब्रिजेश से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द कहें। आज के इस भावपूर्ण विदाई समारोह में उपस्थित रिस्पेक्टेड AIP राव सर और मंच पर आशीन शाखा प्रबंधक सिंधा सर एवं दोनों भाभियां, सैन्य सर ने बिंदास शब्द का प्रयोग किया, मैं तो ये कहूंगा कि सिंधा दीदी क्या होती है ये कोई राव साहब से सीखे। जोते हैं जिंदगी जो है जिंदा दीदी का नाम है, वास्तव में जिंदा दीदी क्या होती है ये कोई राव साहब से सीखे। मुझे भी एक शेर याद आ रहा है कि रखता रखता मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा, रखता रखता मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा, अजनबी हूं आज कल अपना लगूंगा, और रेत जितनी प्यास लेके जब छुओगे हूं तो शहरा पर तुम्हें दरिया लगूंगा, हूं तो शहरा पर तुम्हें दरिया लगूंगा। इस दरिया रूपी हमारे विकास अधिकारी राव साहब किसी भी क्लोजिंग में हमने महसूस किया, एक अभिकर्ता एक विकास अधिकारी अपने लक्ष्य को लेके काफ़ी चिंतित भी रहते हैं, जब मार्च की क्लोजिंग होती हमने उन्हें कभी भी उनके चेहरे पे वो चीज़ देखी नहीं, महसूस नहीं की।
जितना हमें उनका सानिध्य मिला, बहुत ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन जितना भी सानिध्य मिला, एक चीज हमें सीखने को मिला कि वास्तव में आप अपने स्टाइल में काम करते रहिए, काम होता रहेगा। मैं इस विदाई समारोह में अभिकर्ता परिवार की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और इन दो लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, और जब न हो दुनिया में दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। इस करके डॉक्टर को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं। मुझे तो याद आता है आज भी वो सफर, जब हमारी लाइफ भी स्टार्ट हुई थी, मैरिड लाइफ और इनकी भी, हम दोनों के बच्चे साथ साथ बड़े हुए, जब तक शक्ति में थे बहुत ज़्यादा मिलना जुलना था। आज भी जब ये जहांगीर आती हैं तो कोशिश करती हैं कि मुझसे मिले, हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की बहुत सी बातें शेयर करते हैं, और मुझे भी नहीं लग रहा है कि वो भैया रिटायर हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं यही कहूँगी कि आगे भी भाभी जी का और भैया का स्नेह हम पर बना रहे और हम मिलते मिलते रहें। राव जी हमारे बहुत ही हंसी मित्रधनी हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, राव जी जानते हैं, भाभी जानते हैं, मैं जानता हूँ, बाकी कोई यहाँ पर नहीं जानता है। ये क्या बात, सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। नहीं नहीं, सभी के पास आपने सीक्रेट होगा, दैट इज कोइंसिडेंट। राव जी का जन्म जो है 22 जुलाई 1958 को हुआ, ठीक है। उसके बाद राव जी, हाँ 21 जुलाई, ये राव जी की श्रीमती जी का जन्म भी जुलाई में हुआ है। राव जी के दो बेटे हैं, ए साई प्रकाश और ए साई किरण, दोनों बच्चों का जन्म भी जुलाई में हुआ है। यही आज समझ सकता हूँ, आज यहाँ मतलब मुझे जब भी मौका मिलता है बोलने का, मैं जरूर आता हूँ बोलने का, ठीक है। तो आज से तो रिटायरमेंट है, बहुत विनम्र भवन होना चाहिए, लेकिन सर लोग ने बहुत इसको मतलब मस्त मस्त कर दिया। अच्छा ये है कि एक ये अच्छा लगता है कि विकास अधिकारियों में सबसे जूनियर मैं हूँ और एक सीनियर सर का रिटायरमेंट हो रहा है, तो एक हमेशा सीखने को मिलता है हर इंसान में, कुछ ना कुछ, कितना भी कुछ रहे, हर एक चीज हमेशा अच्छा लगता है। तो सर से हम लोग, जब मैं नया इस विकास अधिकारी रूप में 2-3 साल पहले आया, सर लोग से बहुत सपोर्ट मिला, सर को हमेशा देखता था मैं, खुश रहते थे, तो मेरे को लगता था सबको टेंशन रहता, सर कैसे खुशी होती है। तो फिर धीरे धीरे सब सर को जाना पहचाना, तब समझ आया मतलब बहुत कूल इंसान है, और कूल इंसान विनम्र रहना। चूंकि मैं कुछ दिन पहले भी जब भी मीटिंग होता है, एक तो मैंने पहले सर के रिटायरमेंट में, तो सोचता था कि कोई आएगा या सर तो जरूर आएंगे, और सर आते भी थे। ये चीज दिखाता है उनको कोई भी काम को लेके वो कितने सीरियस है, तो जिंदगी में कुछ हो ना हो, सर के सीरियस रहने में काम अपने आप हो जाता है। थैंक यू। सर के बारे में जितना कहा जाए कम है। सर के व्यक्तित्व के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ, इनका व्यक्तित्व एकदम मुखर व्यक्तित्व है, यानी कहने का मतलब है कि सर नाराज होते तो सामने में होते हैं, खुश होते तो सामने में होते हैं, हर चीज जो भी बोलना रहता है सामने में बोल देते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि मैं क्या सोचूंगा या कोई और क्या सोचेगा, सामने में साफ साफ बोलते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है। शक्ति में राव सर आज रिटायर हो रहे हैं 32 साल की सर्विस के बाद। राव सर LIC को बहुत कुछ दिए होंगे, ये हमारे सीनियर सर, सीनियर विकास अधिकारी सभी लोग बताएंगे कि LIC क्या क्या दिए, लेकिन शक्ति को सर के द्वारा LIC के लिए बहुत कुछ मिला है। LIC की पहचान शक्ति में राव सर से है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं राव सर के मकान में रहता हूँ, और मेरे को एड्रेस बताने के लिए केवल बोलना पड़ता है LIC वाले राव सर, कोई जगह की बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ पर है मकान, कैसा है, केवल मैं राव सर के मकान में रहता हूँ, इतना काफी है। शक्ति में हर कोई जानता है कहाँ पर है राव सर का मकान। सर के बारे में एक मैं बहुत मजेदार चीज बताना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सर 31 तारीख को रिटायर हुए,
इसके बाद सर 1 तारीख को शक्ति ऑफिस पहुंचे, मैं बैठा हुआ था सिस्टम में, तो सर आते ही सर बोले कि मेरा 21 तारीख का फिगर दिखाओ थोड़ा। आते ही सर मैं दिखाया, सर आपकी 70 पॉलिसी हुई है, 70 पॉलिसी हुई थी इनकी 31 तारीख को, 7 या 8 एजेंट काम किए थे। तो उसी समय नाराज होने लगे कि अरे बाकी एजेंटों से इतना बात किया था और कोई काम नहीं किया, सबके फिगर देखना चालू कर दिए। ये सर के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि LIC से रिटायर होने के बाद भी सर इतने जुड़े हुए LIC से, अपने अभिकर्ताओं से रिटायर होने के बाद भी जुड़े हुए हैं, तब भी उनका फिगर देख रहे हैं, कार्य देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, प्रेमलाल चंद्र जी का प्रीमियम क्या आया, जनूलाल जी की पॉलिसी क्या आई, हर चीज वो देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। उस दिन सर नंबर 1 थे 70 पॉलिसीज का, और सेकंड पोजीशन में शायद 49 पॉलिसी ऐसा कुछ थी, बहुत बड़े डिफरेंस से नंबर 1 थे सर। ये शायद पिछले 2-3 सालों में मेरे देखते में पहली बार था, पहले रहे होंगे, मेरे को आइडिया के लिए मेरे देखते में सर मैं पूरे डिवीजन में नंबर 1 देखा, और वो भी रिटायरमेंट के दिन। लेकिन हम लोग को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, ये मुझे पता है। सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हमारे राव साहब, मैं नैला की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मैं टीम नैला के सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार ताली खड़े होकर ये करके संस्कारी परमिशन देंगे, और ताली भूल जैसे प्रतिमा देंगे। और एक बार जोरदार ताली भाभी जी के लिए बजाइए, जिन्होंने सतत प्रेरणा दी, उनके पीछे खड़ी रही। बहुत मुश्किल होता है जब कोई व्यक्ति 8 बजे घर से निकलता है और उसका टिकट निखर के सामने आता है। जोरदार 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 अभिनंदन राम भाभी जी का। और ये अवसर हमको मिला है, इस अवसर को अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत कम अर्सा राव साहब के साथ काम करने का मुझको मिला, जब जितना भी साल में रहे मैं आप लोगों को मालूम है कि बिजनेस ही ज्यादा दिखता है, तो राव साहब के साथ जब शक्ति में घूमते थे तो मैं पूछता था यार यहाँ करते क्या थे, तो कुछ 30 साल पहले की कहानी, कुछ 32 साल पहले की कहानी कि खाना भी नहीं मिलता था शक्ति में। साइकिल से राव साहब ने सर्विस शुरू की है, ये बच्चे साइकिल आज जानते नहीं क्या होता है, लेकिन राव साहब ने, और राव साहब ने बताया कि साइकिल भी नहीं हुआ करती पैदल। मेरे को नैला पोस्टिंग में कष्ट है, शक्ति तो पनिशमेंट है, लेकिन राव साहब ने शक्ति को अपने नाम से पहचान दिला दी हमारे कमरे में बुलाया। शक्ति में उस जमाने में एक कोई छोटा सा होटल हुआ करता था, जो शायद 7 बजे के बाद खाना वहाँ मिलता नहीं था, और ट्रेनों की उपलब्धता भी इतनी नहीं थी, लेकिन राव साहब लगातार 32 साल तक शक्ति में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते रहे। बहुत सारे मुकाम राव साहब ने हासिल किए। रिटायर का अर्थ क्या होता है, हम बहुत ये हो गया वो, एक्चुअल में दोस्तों रिटायर मीन्स व्हाट, रीबिल्ड, देयर इज अ वर्ड रीबिल्ड, रिसाइकल, देयर इज अ वर्ड रिसाइकल, रिकॉम्प्लोमरेट, कॉम्प्लोमरेट के बाद रिकॉम्प्लोमरेट। अब ये रिटायर मतलब खराब हो गया बेकार हो गया नहीं, रिटायर मतलब अगेन यूजफुल, रिटायर मतलब अगेन यूजफुल, नाउ लॉस ऑफ बिकम अगेन यूजफुल, फुल टाइम हस्बैंड और हाफ सैलरी। रिटायरमेंट के बारे में ब्रिटिश एक कहावत है कि फुल टाइम हस्बैंड हाफ सैलरी, आधी तनख्वाह मिलेगी और दिन में घर में रहेगी। तो हमारे मिश्रा जी ने सलाह दे दी है कि आप LIC से जुड़े रहें तो हाफ सैलरी पर हाफ टाइम हो। तो राव साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत अच्छे स्वास्थ्य की हम सब कामना करते हैं। राव साहब कहीं नहीं जा रहे, मैंने उस दिन भी कहा था हाँ मत छोड़िए,
है, ये केवल LIC का एक परंपरा है कि अब वो सैलरी रोल पे नहीं है, लेकिन उनकी इनकम LIC से लगातार लगातार जारी रहेगी, वो LIC से लगातार जुड़े रहेंगे। हमको ये अवसर दिया आपने कि आपके माध्यम से हम लोग पुनः इकट्ठे हुए, पूरी टीम महिला की ओर से पुनः पुनः आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। हम सब आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और जो भी नया काम आप शुरू करने वाले हैं उसमें आप लोगों की जो भी मदद लगेगी हम उसको करने के लिए तैयार हूँ। आपकी जो भी बात है उसमें हम लोग पूरी तरीके से तैयार हूँ। थैंक यू दोस्तों। आज विदा ले रहे हमारे साथी गाँव साहब शाखा प्रबंधक सीधा साहब और मंचस्थ गौरव भाव लोग, ये आप सभी परिचित हैं राव साहब के व्यवहार से। मुझे भी याद आता है, मैं यहाँ जब गांधीवन में यहाँ महिला शाखा आया था उधर इंदौर डिवीजन से, चूँकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से हैं, टेबल में बैठते हैं, और फिर से जब काम ले करके पूर्व में बता गए थे उसके रस्म व्यवहार और उनके व्यवहारिकता के बारे में, तो मैंने भी ये कभी पता ही नहीं चला कि इनके मुंह से कोई ऐसी काम के दौरान उनके व्यवहार से ऐसा कुछ परिस्थिति उत्पन्न हुई हो, मुझे याद नहीं। और हमारी जहाँ तक ना केवल मैं ये अनुभव करता हूँ कि मेरे टेबल में जब भी जो भी काम के लिए वो आए हों, बल्कि पूरे कार्यालयों में ये हम सभी को ये गर्व करना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि इस LIC परिवार से जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसी को यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी इज्जत और सब कुछ ये है कि इस संस्था से हम जुड़े हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी है। कौन कितना क्या किया क्या नहीं किया, कितना प्रोग्रेस किया नहीं किया, वो अपने अपनी जगह पे वो अलग चीज़ है, पर इस संस्था के साथ में जुड़ना, एक ईमानदार संस्था के साथ में जुड़ना, यही अपने आप में एक उपलब्धि है। और इस संस्था में रहते हुए अपने संपूर्ण क्षमता के साथ उत्साह और उसके साथ में हंसते खेलते इसी संस्था से सेवा लेकर विदाई ले रहे हैं। राव साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, बाबू जी की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जिंदगी की उड़ान बाकी है, जो कह रहे थे इम्तिहान बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन मैंने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। परम आदरणीय स्वागत वर्धक एवं मेरे साथियों और मेरी प्यारी बहनों, मेरा प्रणाम, और छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार मेरा। आज मुझे जो सम्मान किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बाकी जितने लोग हैं मेरे बारे में, मैं क्या हूँ, वो सब मतलब मेरे बारे में बता चुके हैं। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है बताने के लिए अपने बारे में। मैं अपना डेफिनेशन दो मिनट में देना चाहता हूँ। एक किताब की तरह मैं हूँ, कितनी भी पुरानी हो जाए मेरे आत्मा नहीं बदलेंगे। आज जो मैं हूँ, नहीं कभी फुर्सत मिले तो फरने मदर को देख लेना, आज मैं जो हूँ कल भी वही रहूँगा। सबको मेरा नमस्कार। यस Thank you.
और आप सभी भी यहाँ आकर जो कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, उसके लिए मैं आप सभी के आभारी हूँ।